नमस्कार, IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं स्टार जैन। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले ही रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि ये जो रैली देख रहे हैं, ये किसी ना तो पॉलिटिकल पार्टी की रैली है ना फिर सामाजिक रैली है, ये दरअसल रैली निकली है गुंडे बदमाशों की। रायपुर पुलिस ने बीती रात अचानक एक एक्शन लिया, दबिश दी। करीब 100 की संख्या में पुलिस के जवान, जिसमें CSP भी मौजूद थे, एडिशनल SP भी मौजूद थे, और 100 करीब संख्या में थे जिन्होंने अलग अलग थानों में जाकर दबिश दी, जहां पर जो अलग अलग धाराओं के तहत निगरानी शुदा बदमाश थे, स्थाई वारंटी थे, उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। इसमें कई लोगों के खिलाफ NTPS की कार्रवाई की गई है, कई लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, कई इसमें ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लगभग 125 की संख्या में, आपको बता दूं कि लगभग 125 की संख्या में ये गुंडे बदमाश है जिनको हिरासत में लिया गया है, आपको बता दूं आप। और इसके पीछे बात करेंगे कि क्या अचानक ऐसी बात आ गई जो इस प्रकार से अचानक से एकदम से कार्रवाई हुई है। आपको बता दूं कि रायपुर शहर में इलेक्शन से पहले पुलिस एक मैसेज देना चाहती है, शांतिपूर्ण मतदान हो, लोग सुरक्षित रहें, और अपराधियों का खौफ है वो पुलिस से मन से निकले, और साथ अपराधियों का खौफ है वो जो लोगों के डर से मन से निकले। साथ ही साथ पुलिस के प्रति लोगों में ये बात पैदा हुई कि पुलिस हर प्रकार के कार्रवाई के लिए तैयार है, एक्शन के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग थानों में जो अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें निगरानी शुदा बदमाश हैं, आर्म्स एक्ट के तहत के कार्रवाई के भी लोग हैं, NDPS एक्ट के तहत भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई स्थायी वारंटी है, ये अलग अलग थानों के मामले पेंडिंग थे जिनको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। और 125 की संख्या में आपको बता दूं इनको फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम पुलिस की सुरक्षा के घेरे के बीच में इनकी रैली निकाली गई है, ये रैली चुनावी रैली नहीं है, दरअसल बस पुलिस के द्वारा इन अपराधियों की एक रैली निकाली गई है ताकि लोगों के मन में जो डर है वो दूर होए और ये एक मैसेज जाए कि रायपुर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो, जो भी जिस भी अपराधी के खिलाफ शिकायत आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस लेगी। और देखेंगे आप तस्वीरों में 125 की संख्या में है, एडिशनल SP की टीम ने इनको लीड किया था, हमारे साथ DSP क्राइम मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये आपने जुलूस निकाले, इनका रैली निकाली, किस प्रकार के बदमाश है, क्या है, थोड़ा बताएंगे मामला क्या है। रायपुर शहर में जितने भी निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश, वर्तमान में जितने भी अपराध विभिन्न अपराधों में सक्रिय हैं, चाहे वो चाकूबाजी की घटनाएं हों या किसी अन्य प्रकार की मारपीट की घटनाएं हों, लूट की घटनाएं हों, इस प्रकार के जितने भी आरोपी हमारे पास अभी लिस्टेड थे, उन आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर अर्ली मॉर्निंग में उनको पकड़ा गया है। और उनको उनसे चेकिंग के दौरान हमें कुछ समाज मिले हैं, जैसे कि गांजे प्राप्त हुए, तो NDPS की कार्रवाई की गई है, ऐसे 4 व्यक्ति हैं। साथ ही साथ 7 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ कार्रवाई की गई है और 13 व्यक्तियों के विरुद्ध आम से की कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार जितने भी टोटल 125 हमने गिरफ्तार किया है, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं इस कार्रवाई के जरिए? क्योंकि वर्तमान में अपराधों में नियंत्रण आवश्यक है, इस वजह से इनके 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 ऊपर दबाव हमेशा बने रहे और पुलिस का एक भय और बना रहे, इस वजह से इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। चुनाव भी होना है तो उसके मद्देनजर भी कुछ है किस प्रकार से, क्योंकि कार्रवाई व्यवस्था बना के रखना है, इसलिए कार्रवाई की गई। सर बड़ी देखिए, साफ यहाँ पर DSP क्राइम थे जो बता रहे थे, और देखेंगे कि जहाँ जहाँ इन अपराधियों का जुलूस निकाला जा रहा है, लोग यहाँ पर खड़े होकर मैसेज दे रहे, लोगों से रिएक्शन लेते हैं, क्या कहेंगे बताइए। एक पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, शहर के जितने गुंडे बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, बड़ी अच्छी कार्रवाई है, तो होना भी चाहिए। क्या सोचते हैं आप बताइए? हर दिन शहर का माहौल ख़राब होते जा रहा है, ये कार्रवाई जरूरी थी। आए दिन घटनाएं सुनी जाती है, कहीं चाकू चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो बहुत जरूरी कार्रवाई है, अच्छा कदम है पुलिस की ओर से जी। चलिए, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये पुलिस ने गुंडे बदमाशों को हिरासत में लिए, एक साथ पूरे शहर में दबिश देकर, क्या सोचते हैं आप, किस प्रकार की कार्रवाई है ये? बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, ये होना चाहिए। आप बताइए महिलाएं, आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगी इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो? कार्रवाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा।
देखिए ये 125 निगरानी शुदा बदमाश हैं एनडीपीएस के तहत, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, और कहीं ना कहीं पुलिस का ऐसा मानना है कि इससे शहर का माहौल थोड़ा सी सुधरेगा, लोगों में अपराधियों के प्रति जो डर है वो दूर होगा, पुलिस के प्रति विश्वास जागेगा कि पुलिस हर प्रकार की कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिनके खिलाफ भी तत्काल शिकायतें होंगी यहाँ। और जहाँ जहाँ जैसा मैं कह रहा हूँ लगातार मैडम से बात करते हैं, ये जिस प्रकार से क्या मैसेज मिलता है, क्या लगता है शहर में कितनी शांति होगी आप लोग को लगता है? बहुत ही अच्छी सुविधा पुलिस वाले जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए ये जो रैली निकाली पुलिस ने, ये ना अपराधियों की है, चुनावी रैली नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का लोगों का यही कहना है कि ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो शहर में जी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई से लोगों के मन से डर भागेगा और लोग शांत रहेंगे। और जिस प्रकार से पुलिस से भी हमने बात की, उनका कहना है कि चूँकि विधानसभा चुनाव भी होना है, तो इसलिए एहतियातन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना भी उनकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए लगातार अब ये अभियान शुरू किया गया, और हर 15-20 दिन में ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी, जिन जिन के खिलाफ लगातार शिकायतें आएंगी उन सब की धरपकड़ की जाएगी, और इस तरीके से उनका सार्वजनिक रूप से रैली निकालकर लोगों के सामने उनको दिखाया जाएगा, और ताकि लोग समझ सके कि पुलिस उनके लिए तत्पर है और जैसी शिकायतें होगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमारी इस फिलहाल पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24 का यूट्यूब चैनल खबर विभाग।